नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वाली वीडियो सीरीज में हम लोग टॉपर्स की टिप्स एंड ट्रिक्स देख रहे हैं। यूपी पीसीएस में पूछे जाने वाले इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, कैसे आपको उलझाया जाता है, इन सब के बारे में यहाँ पे टॉपर्स चर्चा कर रहे हैं। प्लस अपने जो पूछे गए क्वेश्चन जो उनसे पूछे गए थे इंटरव्यू में, उन सबके बारे में बता रहे हैं आपको। लगातार यहाँ पे आप देखते रहिए, कमेंट करिए, जो भी आपके मन में डाउट है, कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है तो जरूर इसको दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिए और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब लीजिए, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए और फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और प्लस इंटरव्यू में कैसे जो है अच्छे से तैयारी करें, कैसे कैसे क्वेश्चन तैयार करें, एचआर क्वेश्चन क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्या होते हैं, कई बार जो है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन क्या क्या होते हैं, प्लस प्री में कैसे किस सब्जेक्ट की तैयारी कौन सी करें, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़ें, ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए। पूरी प्लेलिस्ट आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इस नए प्लेटफॉर्म पे जिसके थ्रू ज्ञान भाई ने मुझे मौका दिया है कि मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि यूपी पीसीएस 2018 की इंटरव्यू डेट आ चुकी है। तो सबसे पहले तो मैं ज्ञान भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर कर सकूं। दोस्तों, मैं वैभव त्रिपाठी, सहायक नगर आयुक्त, यूपी पीसीएस 2017 बैच। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस परीक्षा में मेरा ओवरऑल 17वां स्थान मुझे प्राप्त हुआ था और इस पद के लिए मेल कैटेगरी में मेरा पहला स्थान था और इंटरव्यू में मुझे 200 में 135 नंबर मिले थे, जो कि वन ऑफ दी हाईएस्ट थे। तो इस तत्वधान में हम आपसे आज बात करेंगे आपके कुछ इश्यूज के बारे में जो आपको सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इंटरव्यू की नई तारीखें आ गई हैं, 13 जुलाई से इंटरव्यू प्रारंभ है और ये इंटरव्यू 13 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक चलेंगे। तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब वो समय आ गया है जब आप सिर्फ एक कदम दूर हैं सफलता से। इंटरव्यू मात्र एक इंटरव्यू नहीं है, वो आपकी सफलता का अंतिम सोपान है। भले ही ये इंटरव्यू मात्र 100 नंबर का है, लेकिन ये 100 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि जब आप रिलेटिवली देखेंगे कि पहले इंटरव्यू 200 नंबर के हुआ करते थे, अब इंटरव्यू 100 नंबर का होता है, तो जो कट ऑफ बनेगी, जो फाइनल मेरिट आएगी, उसमें जो भी मेरिट होगी उसमें बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट नहीं होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी एक एक नंबर बहुत मायने रखेगा। और कई बार ऐसा होगा कि आपका मनचाहा पद कुछ नंबरों से रुक गया, एक नंबर से रुक गया, दो नंबर से रुक गया, तो इसलिए बेहतर होगा कि आप इंटरव्यू को बहुत सीरियस लें, क्योंकि इंटरव्यू बहुत ही अहम हिस्सा है इस पूरी परीक्षा का। इंटरव्यू का अर्थ होता है साक्षात्कार, इंटरव्यू अंदर की ओर देखना। तो आपको अंदर की ओर देखने के लिए वहां कौन होगा? वहां पे आपको देखने के लिए होंगे बोर्ड के मेंबर्स, कुल जो सदस्य होते हैं यूपी पीसीएस में, उन सदस्यों के लीडरशिप में बोर्ड का गठन किया जाता है और वो बोर्ड आपका इंटरव्यू लेता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में अगर शेयर करूं तो मेरा इंटरव्यू 21 सितंबर 2019 को था, 10 अक्टूबर को रिजल्ट आया। 21 सितंबर 2019 को मेरा इंटरव्यू प्रथम सत्र में सुबह 9 बजे से था। तो मैं स्पष्ट करता चलूँ कि इंटरव्यू 2 सत्रों में होते हैं, एक सुबह 9 बजे का सत्र है, दूसरा दोपहर में 2 बजे का सत्र है। लेकिन सुबह 9 बजे का सत्र और दोपहर 2 बजे के सत्र में एक बेसिक फर्क यह है कि यह आपकी बॉडी क्लॉक के साथ एडजस्ट होना चाहिए। जैसे कुछ लोग देर से सो के उठते हैं तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि अगर उनका सुबह का सत्र है तो वो इधर वो जल्दी उठने का प्रयास चालू कर दें, तो जिससे उनका बॉडी क्लॉक उनका सपोर्ट कर सके इंटरव्यू के दिन पे। और साथ में हमें इस समय 9 बजे अपने माइंड को एक्टिव रखना सुबह सीखना होगा, ताकि इंटरव्यू मोड में हम रहें। तो आप अभी से लेकर के इंटरव्यू मोड में आ जाइए। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप किन्हीं किन्हीं पॉइंट्स पर बातचीत करना, बोलना, शीशे के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना, ये सब आप थोड़ा थोड़ा करके शुरू कर दीजिए। अब हम बात करते हैं आज के मुख्य विषय पे, जो है कि पोस्ट का डिटेल्स, प्रेफरेंसेस क्या हैं। तो चूँकि आज 7 जुलाई हो चुकी है और 7 जुलाई को एक प्रपत्र आया हुआ है कि जो सम्मिलित राज्य प्रवर अवैधनिक सेवा में जो बच्चे इंटरव्यू में अपियर हो रहे हैं, उनमें आपको पदों का प्रेफरेंस देना है कि आपको कौन सा पद चाहिए, कौन सा पद आपको पहले नंबर पर रखना है, कौन सा पद दूसरे नंबर पर रखना है। एक्चुअली ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है, क्योंकि अगर आपने गलत पद भर दिया तो आपका पूरा जीवन जो है उसको प्रभावित करेगा। इसलिए सही पद का चयन बहुत ही जरूरी है। जैसे मेरे केस में मैंने सहायक नगर आयुक्त को 2रे स्थान पर रखा था, लेकिन आज मैं अगर पीछे मुड़ के देखता हूँ तो ये मुझे लगता है कि सहायक नगर आयुक्त अपने आप में बहुत ही अच्छा पद है और यही इकलौता ऐसा पद है जो SDM के समकक्ष होता है। सामान्यतया लोग सबसे पहला प्रेफरेंस SDM का भरते हैं, डिप्टी कलेक्टर का भरते हैं,
तो आप उसको अपना पहला प्रेफरेंस रख सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से हर पद के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताना चाहूंगा, आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा, उसके बाद आप अपने हिसाब से प्रेफरेंसेस भर सकते हैं। पहला पद है डिप्टी कलेक्टर का। डिप्टी कलेक्टर एक्चुअली ये जो नाम है हम इसको कई बार SDM कहते हैं या उपप्रभागीय न्यायाधीश कहते हैं या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहते हैं, लेकिन पद का नाम डिप्टी कलेक्टर है, यानी यू आर डिप्टी टू द कलेक्टर। तो जब हम कलेक्ट्रेट में जाते हैं तो उसको डिप्टी कलेक्टर कहते हैं, लेकिन जब हमें कोई तहसील अलॉट हो जाती है तो या सब डिवीजन अलॉट हो जाता है तो हम उसे SDM कहते हैं। तो एक SDM तब तक SDM नहीं होता है जब तक कि वो उसे कोई तहसील अलॉट नहीं हो जाती है। तहसील अलॉट होने के बाद उसे हम SDM कहने लगते हैं, क्योंकि उसके पास उस तहसील का चार्ज, या यूँ कहें कि टेक्निकली राजस्व के रूप में तहसील का चार्ज तहसीलदार के पास होता है, लेकिन प्रशासनिक तौर पर एक तहसील या एक से ज़्यादा तहसील का चार्ज SDM के पास हो सकता है, यानी वो एक प्रखंड, दैट इज सब डिविजन, आप इसे कह सकते हैं संभाग, या ये कहिए कि जो है सब डिस्ट्रिक्ट, उपजिला का वो अधिकारी होता है। तो आप इसे पहले प्रेफरेंस के रूप में रख सकते हैं, क्योंकि इस पद में आपको अनेक ऐसी विविधताएं मिलेंगी जो प्रमोशन से संबंधित या अन्य रूपों से संबंधित, जिसमें आपका ग्रोथ अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल कि SDM 6 साल में आप सिटी मजिस्ट्रेट बन जाएंगे, और सिटी मजिस्ट्रेट इसकी पहला प्रमोशन होता है। उसके बाद आप ADM के पद पे आ जाएंगे, ADM के बाद आप CDO बन जाएंगे, फिर आप उसमें आगे चल के आप IAS अलर्ट हो जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी आप बन जाएंगे, और अनेक तरह के पद हैं, स्पेशल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, नगर आयोग, इन सभी पदों को आप होल्ड कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे एक अच्छा पद है, इसको आप अपनी पहले प्रेफरेंस के रूप में दे सकते हैं। दूसरे प्रेफरेंस के रूप में मैं तो अपनी इस मतलब सेवा से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ, और कई मामलों में तो मैं इसे SDM से भी बेहतर मानता हूँ, लेकिन एक सामान्य है कि आप दूसरे पर या तो पुलिस उपाधीक्षक दे सकते हैं या सहायक नगर आयुक्त दे सकते हैं। लेकिन पुलिस उपाधीक्षक सिर्फ वही दें जो फिजिकल मेजरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, यानी उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर हो और शारीरिक मानदंडों को पूरा करें, क्योंकि इस परीक्षा में एक ये संभावना होती है कि कई बार आपने डिप्टी SP का पद डाल दिया और आपको डिप्टी SP का पद नहीं मिल पाता है आपके फिजिकल मेजरमेंट्स की वजह से, तो आप फिर किसी पद के लिए योग्य नहीं रह जाएंगे और आपका आपके वो साल पूरा बर्बाद चला जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि आप डिप्टी SP का पद तभी डालें जब आप उसकी शारीरिक मापदंडों को पूरी तरीके से फुलफिल करते हैं। दूसरे पर ही सबसे एक बहुत ही अच्छा पद है सहायक नगर आयुक्त का। इस पद को बहुत लोग अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते हैं, केवल EO मान करके रह जाते हैं, पर वो EO में भी कई कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले EO नगर पंचायत होता है, जो लोअर PSS के माध्यम से जिसका चयन होता है, वो प्रमोट होकर के EO2 बनता है, फिर वो U2 प्रमोट होकर के EO1 बनता है। EO1 को ही सहायक नगर आयुक्त कहते हैं, जब वो नगर निगम में होता है तो उसे सहायक नगर आयुक्त कहते हैं, और जब वो पालिका से शुरुआत करता है तो उसको श्रेणी 1 की पालिका मिलती है, जो कि संख्या में केवल 33 है। तो ये पद बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें प्रमोशनल एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, और एक EO नगर पंचायत को EO1 बनने में लगभग 18-19 वर्ष लग जाते हैं। तो आपकी शुरुआत सहायक नगर आयुक्त के रूप में होती है, 3-4 वर्षों में आप उप नगर आयुक्त हो जाएंगे, और जैसे इधर आप SDM से उधर ADM बनेंगे, इधर आप अपर नगर आयुक्त हो जाएंगे, उधर आप सीनियर ADM होंगे, इधर आप नगर आयुक्त बनने की आपकी चांस ओपन रहेगी। तो दूसरे पर आप इसको दे सकते हैं, क्योंकि नगर प्रशासन एक अपने आप में स्वायत्त प्रशासन है, सेल्फ गवर्नमेंट है, और यहाँ काम करने के लिए बहुत सी संभावनाएं हैं। मेरा पर्सनल लाइकिंग इस पद के लिए है, ये नहीं कि मैंने दूसरे नंबर पर प्रेफरेंस दिया था, लेकिन जो मेरे जो सुविधाएं मुझे मिली हुई हैं, जो पावर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ डे टू डे अफेयर्स में, जो मैं देख रहा हूँ, वो कहीं और कई मामलों में SDM से कहीं अधिक हैं। तो आप इस पद को जरूर ध्यान रखिएगा। तीसरे पर आप दे सकते हैं, आपकी चॉइस पर है। तीसरे पे आप, अगर आपने दूसरे पे सहायक नगर आयुक्त रख दिया, तो तीसरे पे आप डिप्टी SP रख सकते हैं या वाइसी वर्सा आप देख सकते हैं। पर मैं डिप्टी SP के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ कि यह पद में प्रमोशन बहुत लेट होता है। IPS अलॉट होने में आपको 20 से ज़्यादा साल लग सकते हैं। पुलिस का काम बहुत प्रेशर से भरा होता है, और उसमें CO के रूप में आपके पास कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं होती हैं, क्योंकि इसमें कई तरह का दबाव होता है, जो कि जिसमें आप वर्दी के कुछ बेनिफिट्स हैं तो कुछ उसकी समस्याएं भी हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इसमें प्रमोशन ही है। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि अभी हमारे साथ बैठे हुए थे SP क्राइम आए हुए थे, तो उन्होंने बताया कि 16 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो है उन्हें IPS अलॉट नहीं हो पाया है, और साथ में वो बहुत ही परेशान थे इस बात को लेकर के कि जो वर्किंग कंडीशंस भी हैं वो उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि पुलिस की नौकरी के साथ में आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस आप बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। तो ये एक समस्या है, तो इसका आप जरूर ध्यान दें। तीसरे नंबर पर आप सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को डाल सकते हैं, जिसको ARTO भी कहते हैं। अल्दो
ये इसमें भी प्रमोशन बहुत लेट है, एक RTO को RTO तक पहुंचने में, पहला प्रमोशन पाने में 19 साल लग जाते हैं और डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बनने में 26 वर्ष लग जाते हैं। तो इसमें भी एक तरह की समस्या है, पर चूंकि आपको प्रेफरेंस तो डालना है तो आप इसको तीसरे नंबर पर रख सकते हैं। चौथे नंबर पर आप असिस्टेंट कमिश्नर SGST रख सकते हैं, अल्दो इसमें भी आप मैक्सिमम एडिशनल कमिश्नर तक ही जा सकते हैं, लेकिन फिर भी चौथे नंबर के लिए एक बेहतर पद है। पांचवें नंबर पे आप खंड विकास अधिकारी BDO का पद रख सकते हैं, इसमें आप एक ब्लॉक के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होंगे, लेकिन चूंकि ब्लॉक प्रमुख का उसमें काफ़ी इंटरफेरेंस रहता है तो वर्क कल्चर उतना अच्छा नहीं होने की वजह से इसमें आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस को चूज कर सकते हैं। अगला पद है, एक पद है अधीक्षक कारागार का। तो सामान्य रूप से तो ये पद कई लोगों को समझ में नहीं आता है SP जेल, क्योंकि जेल सेवा अपने आप में एक अलग सेवा है, लेकिन SP जेल का पद काफ़ी अच्छा होता है यदि आप शारीरिक मानदंड यानी कि 168 सेंटीमीटर की हाइट को पूरा करते हैं। तो अधीक्षक कारागार एक अच्छा पद है क्योंकि आप उसमें आप सेंट्रल जेल या किसी जेल के हेड होते हैं, जो आपके अंडर में जेलर डिप्टी जेलर वगैरह कार्य करते हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको स्टाफ मिल जाता है, सुविधाएँ मिल जाती हैं, तो अगर आप उनके सुविधाओं के लिए जाना चाहते हैं तो SP जेल भी एक अच्छा ऑप्शन है। फिर मैं कहना चाहूँगा कि अगली अगर कोई पोस्ट आप रखना चाहें तो जिला पंचायती राज अधिकारी का रख सकते हैं, जिसको DPRO भी कहते हैं। ये जिले स्तर का पद है। देखिए, जिले स्तर का पद रखना हमेशा एक अच्छा डिसीजन होता है क्योंकि उसमें आपकी सीधी रिपोर्टिंग DM की होती है और जिले में आप उस पद के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, किंतु इन पदों में प्रमोशन के एवेन्यूज कम होते हैं, तो आप उस हिसाब से सोच सकते हैं। और उसके बाद आप यदि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं तो सहायक समायुक्त रख सकते हैं, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर जिसको बोलते हैं, या आप ट्रेजरी ऑफिसर रख सकते हैं यदि आपकी लाइकिंग पर है, या CTO रख सकते हैं। तो अनेक प्रकार के पद हैं, लेकिन पद को चुनने से पहले आप शुरू के 5 पदों के लिए वरीयता सूची बना लीजिए, क्योंकि शुरू के 5 पद में ही आपको एक अच्छा पद मिल जाए, यही मेरी शुभकामना होगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप अपने पर्सनल लाइकिंग के हिसाब से कि हर एक पद का आप लिस्टिंग कर लीजिए कि किस पद के क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, उस हिसाब से आप उन पदों के प्रेफरेंस को भर लें और इसको समय रहते भर लें। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि प्रशासनिक पद ही सबसे अच्छे होते हैं, तो यदि आप प्रशासनिक पदों को भरेंगे, क्योंकि हम जिस सेवा में आए हैं ये प्रशासनिक सेवा है, और अगर हम प्रशासनिक सेवा पर ही ध्यान देंगे तो ही हम वो चीज़ पा सकते हैं जिसको ध्यान में रख के हमने इस एग्जाम को आप अपीयर हुए थे, जो आप सिविल सर्विस में अपीयर होते हैं उसकी ड्यूटी तभी है जब आप प्रशासनिक पदों को अपने ध्यान में रखें। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप पोस्ट की प्रेफरेंस दे सकते हैं। बाकी पोस्ट से संबंधित आपके जो डाउट्स हों उसके लिए मैं एक्सेसिबल हूँ, आप ज्ञान प्रकाश मिश्रा जी के माध्यम से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं आपके सारे क्वेश्चंस को आपके सारे डाउट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे अंकों के साथ में सर्वोच्च प्राप्त करके अपने टॉप 3 प्रेफरेंस में से कोई अच्छी प्रेफरेंस प्राप्त कर सकें। जय हिंद, जय भारत।